कई बार पेट में दर्द हो जाता है, कई बार कभी कभी होता है, या कई बार लगातार होता रहता है। कभी अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें कुछ नहीं आता, लेकिन पेट में दर्द बना रहता है। उनको बता देता हूँ, चाहे परेशानी आपको कब से रिलेटेड हो उसके कारण दर्द होता है। कई बार गैस के कारण दर्द हो जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता। कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको दर्द हो जाता है, और समय ऐसा होता है कि रात हो चुकी होती है और वो दर्द से परेशान है, रो रहा है बच्चा। तो हम क्या करें, आप चूर्ण बना के रख लें, छोटा सा है। एक तो आप सौंठ ले लें, यानी कि सूखा हुआ अदरक, और एक काली मिर्च ले लें और काला नमक ले लें। अब तीनों बराबर ले लें, यानी कि 20-20 या 10-10 ग्राम ले लें, पीस के बारीक चूर्ण बना लें। अब चम्मच का एक चौथा हिस्सा, यानी कि आधी चम्मच से भी आधा हिस्सा दे दें गुनगुने पानी के साथ। पहले से ही खुराक में आराम पड़ने लगेगा। अगर छोटे से छोटा कोई बच्चा है तो थोड़ा सा ले लें, एक चुटकी भर ले लें, उसको चटा दें और थोड़ा सा पानी पिला दें, बस दर्द ठीक हो जाएगा। हेयर लाइन रिसीडिंग का नाम सुना रहे यार, अगर नहीं सुना तो ये देख लो, ये पहले पहले इनिशियल केसेस है इनके। देख लो हल्के से यहाँ से बाल उड़ रहे हैं, इनके यहाँ से बाल उड़ रहे हैं, ये हेयर लाइन रिसीडिंग। इसका एक्सट्रीम केस भी होता है जब आपके आगे आगे से बाल उड़ने लग जाते हैं। इसको हम कैसे रोक सकते हैं, बट ये सुन लो पहले इन्होंने अपनी प्रॉब्लम कैसे पूछी। फोटो खींच के फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करो, और सेकंड ऑप्शन पे मैं इतनी सारी वीडियो बना चुका ना हेयर लाइन के ऊपर और आपके बाल उड़ने के ऊपर, आप अपने प्रॉब्लम पे ना खुद वीडियो देख सकते हो। तो इस केस में हमें क्या करना, विटामिन सी की गोली लेनी है, उसको चूरा चूरा कर देना, उसके अंदर एक चम्मच कोकोनट ऑयल डाल के यहाँ पे